मेरे लिए तो है ही, मतलब लेकिन ये आप सारी अकेले कंप्लीट कर लेते हो, आप जैसे जैसे और फैमिली है और पूरी फैमिली खा सकती है, या तीन चार बंदे होते हैं कि दो बच्चे हो गए या कुछ हो गए तो आराम से वो तीन चार बंदे के लिए। मतलब कहने का मतलब सर का ये है कि ये है फैमिली थाली, ये हमारे जैसे लोग जो आम लोग हैं उनके लिए ये फैमिली थाली है, लेकिन खली सर के लिए ये अपनी एक थाली है, ये अपना एक वन टाइम का मील है। बिल्कुल, मेरे लिए तो भाई साहब ये जरा थाली का साइज चेक कर लो, ये वन टाइम मील है खली सर के लिए। और भाई साहब खली सर एक ना बड़ी लोगों में एक हवा चलती है जब लोग आपको देखते हैं कि हर चीज बड़ी है, सब कुछ बड़ा, तो ये भी मिलता है कि सर एक टाइम पे कितनी चपातियां खा लेते हैं, ये बड़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन चलता रहता है। देखो इसमें आठ दस चपातियां मैं खाता ही हूँ, और बाकी जो राइस है और सब्जियाँ है, सब्जियाँ में ज्यादा खाता हूँ, ये वेजिटेबल है ये ज्यादा खाती हूँ। तो खली सर आज इस मुझे बाकी अंडे उंडे भी खाता हूँ, ये मत सोचना कि मैं अंडे खाता ही नहीं, अंडे भी खाता हूँ और लेकिन ये भी खाते हैं। तो खली सर आज फिर हो जाए खाना हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, आइए खली सर प्लीज। तो आज आप ही स्टार्ट कीजिए, लीजिए चपाती, मैं आपके साथ थोड़ा खा लेता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइए जी आज लाइए स्पून। खली सर वैसे आपकी वेज फेवरेट आइटम कौन सी रहती है? मेरी दाल बहुत आप दाल मखनी सबसे बढ़िया लगती है। चलो जी दाल आ गई, और हम साथ में थोड़ा सा पनीर भी लेते हैं क्योंकि पंजाबियों को पनीर से जो वेज बनता है ना उसको पनीर से बड़ा प्यार है। तो लो जी वेज थाली के अंदर दाल भी आ गई और पनीर भी आ गया। तो खली सर कौन सी चपाती लेंगे आप? इसमें भाई साहब लच्छा परांठा भी दिया गया है, बटर नान भी दिया गया है, मिस्सी रोटी भी दी गई है। तो लीजिए जी हम मिस्सी रोटी की एक बाइट लेते हैं, और वीडियो को ना जल्दी से उन दोस्तों के साथ टैग कर दो जो WWE देखा करते थे, खली साहब की रेसलिंग देखा करते थे, और कौन सी फेवरेट फाइट इनकी लगती है जल्दी से कमेंट वो भी कर दो। तो लो जी खली सर के साथ हम एक पनीर की बाइट और ये खली सर की एक दाल मखनी वाली बाइट लीजिए जी। चीयर्स। खली सर वाकई में हाईवे के ऊपर ऐसा फूड नहीं मिलता, हाईवे की फर्स्ट चॉइस है भाई साहब खली, द ग्रेट खली ढाबा जरूर आओ आप। और खली सर आपकी सबसे फेवरेट फाइट कौन सी रही जो आपको अभी तक मतलब लाइफ टाइम आप याद रखना चाहते हो कि ये फाइट मेरी लाइफ की बेस्ट फाइट थी? जब मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना था रॉयल रंबल बुलडॉग जिस पे बाहर फेंका था, बिल्कुल बिल्कुल वो फाइट मेरी सबसे फेवरेट, मुझे तो नहीं फेंकोगे बाहर। तो खली सर के साथ आज हम लंच किया, मजा आया। एड्रेस है हाईवे के ऊपर, सर प्रॉपर एड्रेस बता दो जरा यहाँ पे ये ग्रेट ग्रेट चीजें हो रही है। ये ग्रेट खली ढाबा समाना भाव तस्लीम नीलो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट करना, ये कुरुक्षेत्र के और कुरुक्षेत्र के और करनाल के बीच में पड़ता है, कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में हाईवे के ऊपर ही आपको दिख जाएगा था ग्रेट खली ढाबा। आइए खाइए और खली सर के साथ एक मेमोरीज आप क्रिएट कीजिए। तो प्यार देते रहिए खली सर, एक बार फॉलो के लिए बोल दो, सब्सक्राइब के लिए बोल दो, बाइट खाने दो घर को, जरा पास आओ इरू भाई। पेटू सिंह, पेटू सिंह दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो ये पेटू सिंह यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए, और आपको ध्यान लेके आएगा ग्रेट खली ढाबे पर, और अच्छा खाना आपको देखने को खाने को मिलेगा, रेस्लिंग देखने को मिलेगी और ग्रेट खली से मिलने को मिलेगा। तो आइए खाइए और हमें बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच खली सर, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए खली सर को भी और हमें भी। बाय बाय।